गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, सेंटेंस का। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वी ऑलरेडी नो डैट अ सेंटेंस, आपको आप जान चुके हो कि सेंटेंस क्या होता है। हैज़ टू मेन पार्ट्स होते हैं, अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। The subject is a thing or person। जो एक subject होता है वो हमारा कोई भी वस्तु भी हो सकती है और एक person भी हो सकता है। We are talking about, जिसके बारे में हम बात करते हैं। It can be a single word, ये एक single word हो सकता है और group of words भी हो सकते हैं। It can be composed of two or more nouns or pronouns भी हो सकते हैं। ये क्या है, ये क्या compose करके दो और दो से ज़्यादा nouns भी हो सकते हैं और pronouns भी हो सकते हैं, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम मिलकर भी subject बना सकते हैं। The predicate is the part that tells us something about the subject। Predicate होता है कि वो part होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, मतलब किसके बारे में, subject के बारे में। The predicate can be single word, predicate भी single word भी हो सकता है, group of words भी हो सकता है, and always contains one or more verbs। और ये हमेशा जो एक और एक से ज़्यादा verbs contain करता है, जैसे कि देखो The clouds are dark। इसमें क्या है कि जो जो बादल हैं वो क्या है, डार्क हैं। The clouds सब्जेक्ट है और are dark है जो है प्रेडिकेट है। गगन इज स्लीपिंग इन हिज रूम, कि गगन जो है अपने कमरे में क्या कर रहा है, सो रहा है, तो गगन सब्जेक्ट हुआ। इज स्लीपिंग इन हिज रूम, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। इसी तरह से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के क्या दे रखे हैं, सेंटेंस दे रखे हैं, आपको इसको कंप्लीट करना है। सोनू निगम सिंग्स वेल, ठीक है। इस तरह से आपको जैसे डैश हैव ए गुड मेमोरी, तो यू हैव अ गुड मेमोरी। इस तरह के आपको जो ये दे रखे हैं, आपने ये सेंटेंस दे रखे हैं, आपने इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है मैच द सब्जेक्ट, आपने एक अपने सब्जेक्ट के साथ उसको प्रेडिकेट को मैच करना है, ठीक है। नेक्स्ट में है फ्रेज। फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सम सेंस। जो फ्रेज होते हैं वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेंस, कुछ सेंस बनाते हैं, बट नॉट कम्प्लीट सेंस। बट ये कम्प्लीट सेंस नहीं होती। इट डज नॉट हैव अ वर्ब, इसके पास क्या वर्ब नहीं होती, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग एट द स्टेशन, ये क्या है, मतलब ये फ्रेज है लेकिन ये क्या है, ये एक ना तो इसका कोई सब्जेक्ट समझ आ रहा है, ना कोई प्रेडिकेट है, ना ही इसमें कोई वर्ब है। तो अ फ्रेज कैन बी चेंज, आपने क्या करना है, इसको चेंज करना है इनटू सेंटेंस बाय एडिंग अ वर्ब और मोर वर्ड्स टू इट। इसमें क्या करना है, आपने उसमें वर्ब ऐड करके और उसके और भी वर्ड ऐड करके आपने इसको चेंज करना है। जैसे दे रीच्ड होम इन द मॉर्निंग, मतलब वे पहुँच गए इन द मॉर्निंग, किससे पहुँच गए आपने बताना है, द ट्रेन इज एट द स्टेशन। जैसे यहाँ पे आया ना इन द मॉर्निंग एट द स्टेशन, वह क्या मॉर्निंग में थे एट द स्टेशन, तो इसलिए इसका क्या बनाया हमने, इसको चेंज करा। दे रीच्ड होम, वो होम पहुँच गए इन द मॉर्निंग में, ठीक है, सुबह ही वो क्या हो गए, घर पर पहुँच गए। दे ट्रेन इज एट द स्टेशन, जो ट्रेन है वो स्टेशन पर है, ठीक है। इस तरह के आपको क्या दे रखे हैं, फ्रेसिस दे रखे हैं, आपको क्या करना है, ब्रैकेट्स में आपको दे रखे हैं सेंटेंस, तो उसको सेंटेंस को क्या करना है, आपने उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि डोंट पुट ऑल योर एग्स, तो डोंट पुट ऑल योर एग्स में क्या आएगा इसका, इन हार्टी ब्रेकफास्ट इन वन ब्रेकफास्ट, तो क्या आएगा, इन वन बास्केट, ठीक है। डोंट पुट ऑल योर एग्स, मतलब आपने एग्स नहीं रखने सभी, तो कहाँ नहीं रखने, इन वन बास्केट में। रॉबिन हुड शॉट एन एरो, रॉबिन हुड ने एरो का शॉट किया, तो कहाँ पे किया, हिज मैरी मैन में या इन टू द ट्री, तो किस में किया, इन टू द ट्री। इस तरह के फ्रेसिस दे रखे हैं आपको, आपको ये दे रखा सेंटेंस, आपने इसमें से चूज करना है कि सेंटेंस के साथ सूटेबल सेंटेंस कौन सा जुड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं, आपको कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ सूटेबल फ्रेसिस, आपको यहाँ फ्रेसिस दे रखे हैं, आपने इसको क्या है चूज करने हैं और अपने सेंटेंस बनाने हैं। जैसे दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट, जो दिवाली क्या है हमारा
रोशनी का त्यौहार है, ठीक है। तो इस तरह से दी रेलवे स्टेशन वाज, यहाँ पे आपको फ्रेज दे रखा है, नोट वेरी क्राउडेड, जो रेलवे स्टेशन पर क्या थी, भीड़ नहीं थी, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट द स्कूल वाज वेरी क्वाइट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम के टाइम जो है स्कूल में चुप्पी होती है, शांति होती है, ठीक है। नीना वाज अ लिटल नर्वस, नीना क्या है, नर्वस थी, क्यों नर्वस थी, ऑन द डे ऑफ द कंसर्ट, ठीक है। आपको इस तरह से आपने ये फ्रेसिस चूज करके आपने इस पर आपने फिल करने हैं। ऐसी तरह ये वाले भी ऐसी है, आपने ये भी ब्लैंक्स में अपने आप से खुद से बनाकर अपने ये वर्ड चूज करने, जैसे दी बोट आ कार्ड फॉर देयर फ्रेंड्स, उसने एक कार्ड खरीदा, कार्ड खरीदा किसके लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। दी शॉपकीपर वाज रूड, शॉपकीपर किसके साथ रूड हो रहे थे, हो रहा था टू हिज कस्टमर्स। इस तरह से आपने खुद से ये अपने सुटेबल फ्रेज सुनने हैं और इसके साथ इसके सेंटेंस को साथ जोड़ने हैं, ठीक है। आपका जो ये चैप्टर है सेंटेंस वाला, ठीक है, ये वाला एक लास्ट रह गया आपका री राइट द, इस सेंटेंस को क्या करना है, आपने फ्रेज को क्या करना है, इसके साथ जो दे रखी है ना आपको ब्रैकेट्स में जो दे रखा है, जैसे ये देखो रियूना एंड समिता ट्रेवल टू स्कूल टुगेदर, ये क्या करती हैं, इकट्ठे स्कूल जाती है, इन ना किस में जाती है, वैन। तो आपने इस सेंटेंस को लेकर साथ में इस सेंटेंस को जोड़ना है, ठीक है। जैसे द बुक इज फ्रॉम द लाइब्रेरी, बुक कहाँ पे थी, लाइब्रेरी में, विद द ब्लू कवर, किसके साथ थी, ब्लू विद द ब्लू कवर। तो इसके साथ इसको सेंटेंस को जो ब्रैकेट में दे रखे हैं आपने इसके साथ जोड़ना है, ठीक है। ये वाले आपको सेंटेंस का चैप्टर जो आपका कंप्लीट हो चुका है, अब आपने इसको अपनी बुक में राइट करना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।